अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिहान कमर और आप देख रहे हैं कार टिप्स। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी टोयोटा प्रियस 1.8 है, ये हमारी अपनी गाड़ी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पिक में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए एक्सलरेट ज़्यादा करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी का फ्यूल फिल्टर जो है वो बंद है। ट्यूनिंग मैं इसकी ऑलरेडी कर चुका हूँ, आज हम इस गाड़ी की हम फ्यूल फिल्टर चेंज करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोस्टली टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पंप जो है वो पिछली सीट के नीचे दिया गया होता है। सीट हमने हटा ली है, सीट के नीचे आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे नीचे गाड़ी का फ्यूल टैंक लगा होता है और ये मुकम्मल बेस होती है फ्यूल टैंक के अंदर लगी होती है। इसके अंदर फ्यूल पंप होता है, फ्यूल गेज होती है जो आपको मीटर में शो हो रही होती है और फ्यूल फिल्टर होता है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे खोल के। सबसे पहले हम इसके एयर के और फ्यूल के जो पाइप हैं बेस के ऊपर लगे हुए हैं उसको उतारते हैं। इनको उतारते वक्त ध्यान ये रखना पड़ता है कि इनमें जो लॉक्स दिए गए होते हैं उनको बहुत ध्यान के साथ उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर टूट जाएं तो वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इस गाड़ी के फ्यूल फिल्टर और फ्यूल बेस के ऊपर जो कैप दिया गया है ये प्लास्टिक का होता है और चूड़ी वाला होता है। इसको खोलना ज़रा मुश्किल होता है, इसको खोलने के लिए कोई टूल होगा मार्केट में, लेकिन हमें इसका अभी तक कोई टूल मिला नहीं जो इसको खोल सके इजीली। तो जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है हम इसको इसी तरीके से ही खोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, इसको खोलते हुए एहतियात करने वाली बात सिर्फ ये है कि इसको एहतियात के साथ खोलें ताकि ये प्लास्टिक का कैप है ये कहीं से डैमेज ना हो। फ्यूल पंप बमा फ्यूल फिल्टर बेस जो है गाड़ी की ये हमने खोल के बाहर निकाल ली है। अभी हम इसको फर्दर चेक करते हैं कि इसके फ्यूल फिल्टर की क्या हालत है। अगर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो इसको रिप्लेस करेंगे, वरना इसको क्लीन करके भी काम चलाया जा सकता है। ये इस गाड़ी की फ्यूल पंप मोटर है, ये हाई प्रेशर फ्यूल जो है वो गाड़ी के इंजेक्टर्स को दे रही होती है। ये गाड़ी का फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल पंप मोटर जो है वो इस फ्यूल फिल्टर के अंदर फिट हुई होती है। अगर तो आपने इस फ्यूल फिल्टर को चेंज करना है तो आपको इसका पाइप जो है वो काट के उतारना पड़ता है, और अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हैं तो आप इसका पाइप नहीं उतारेंगे, बेस के साथ से इसको अलहदा नहीं करेंगे। आपने करना यह है कि आप इसको हाई प्रेशर एयर से या पेट्रोल से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे चेंज करेंगे इसलिए हमने इसका पाइप काट के फ़िल्टर को अलहदा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि फ्यूल फिल्टर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट भी है। ये वो डस्ट होती है, कचरा होता है जो कि फ्यूल टैंक में होता है, वो सारा कचरा जो है ये फिल्टर फिल्टराइज़ करता है। इस फिल्टर को अब हम चेंज करेंगे। ये हमारे पास टोयोटा का जेन्युइन फ्यूल फिल्टर है प्रियस गाड़ी का, ये मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाता है, जेन्युइन भी मिल जाता है, उसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। फ़िल्टर लगाने से पहले फ्यूल पंप बेस को अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कचरा ना हो। ये जाली होती है जो कि फ्यूल पंप के नीचे लगी होती है, ये इसलिए लगाई गई होती है कि फ्यूल पंप कोई भी मोटा कचरा जो है वो टैंक से ना उठाए, क्योंकि अगर कोई मोटा कचरा फ्यूल पंप के अंदर चला जाएगा तो उससे फ्यूल पंप के जाम होने का ख़तरा होता है। इसको भी अच्छी तरह क्लीन कर लें ताकि फ्यूल पंप को टैंक से फ्यूल उठाने में कोई किसी किस्म का मसला ना हो।
ये फ्यूल फिल्टर में वाल लगा होता है जो कि फ्यूल को लाइन में रोक के रखता है, हाई प्रेशर फ्यूल को लाइन में रोक के रखता है ताकि गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल ना दे। के अंदर फ्यूल पंप फिट करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो ओरिंग फ्यूल पंप के ऊपर लगा होता है वो बिल्कुल ठीक हो और उसको प्रॉपरली लगाएं, क्योंकि अगर ये ओरिंग प्रॉपरली नहीं लगेगा तो गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रबल देगी और चलने में भी प्रॉब्लम करेगी। फ्यूल पंप हमने फ्यूल फिल्टर के अंदर फिट कर लिया है, अब हम इसको बेस में लगाते हैं। फ्यूल फिल्टर का जो पाइप है ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल का बना होता है, इसको नरम करने के लिए इसको लाइटर वगैरह के साथ गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद इसको कोशिश करें कि एक ही ट्राई में ये पाइप जो है वो फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप की जो बेस है उस पर चढ़ जाए, क्योंकि दूसरी ट्राई में ये इस काबिल नहीं बचेगा कि इसको चढ़ाया जा सके। और जब भी आप इस पाइप को गर्म करेंगे तो कोशिश करें कि पेट्रोल से दूर कहीं रख के गर्म करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप बेस में हमने फिटिंग कर लिया है, हमारी फ्यूल पंप बेस जो है वो बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको वापस गाड़ी में फिटिंग करते हैं। फ्यूल पंप बेस फिटिंग करते हुए इसके अंदर इसके कैप के अंदर एक रिंग होता है ओरिंग, ये इसलिए लगाया गया होता है कि जब आप इसको टाइट कर दें तो कहीं से फ्यूल लीक ना हो, उसको प्रॉपरली लगाएँ। फ्यूल फिल्टर चेंज करने के अब फ़ायदे मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ये है कि आपकी गाड़ी की पिक जो है वो बेहतर हो जाएगी, गाड़ी फ्यूल एवरेज भी अच्छी देगी और गाड़ी चलने में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। फ्यूल पंप बेस जो है उसको फिटिंग करने के बाद इसके जो एयर के और फ्यूल के पाइप हैं उनको अच्छी तरह प्रॉपरली लगा लें और उनके अंदर जो लॉक होते हैं उनको अच्छी तरह लगा लें ताकि कहीं से फ्यूल लीक ना हो। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी चलने में प्रॉब्लम करती है, पिक ठीक नहीं है या उसको चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा मसला होता है, तो उसका एक मसला आपकी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर का चोक होना भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि 30 से 40,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी का फ्यूल फिल्टर चेंज कर लें या फिर उसको सफाई करवा लें ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर मिले। तो दोस्तों, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैं कर रहा हूँ, गाड़ी पहले से काफ़ी बेहतर है, जो बहुत ज़्यादा एक्सलेट करना पड़ रहा था इसको चलाने के लिए वो अब नहीं करना पड़ रहा। तो ये तो था फ्यूल पंप फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपना फीडबैक दें। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।